देखिए देखिए, तीन रूम का क्या है आपका, तीन रूम का दिख रहा है ना आपके सिलेबस में, बस दो ही रूम का है। यानी आज का जो लेक्चर है ना बहुत बड़ा जाने वाला है, और इससे बड़ा इसमें सब कुछ हम निकाल लेंगे। देख रहे हैं ना सारी चीज़ें बनाए हुए हैं, छत भी बनाए हुए हैं, फर्श भी बनाए हुए हैं। यानी कम हम को लग रहा है 15-20 आइटम तक जाएंगे। अभी तक 3-4 आइटम जाते थे, अर्थवर्क सॉइल एक्सवेशन जाते थे, पीसीसी जाते थे, ब्रिक और फाउंडेशन, ब्रिक और सुपर स्ट्रक्चर इतना ही जाते थे, 4-5 DPC जाते थे, प्लास्टर कभी कभी जाते थे। हाँ अब क्या है कि हम बहुत 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 जाएंगे, ठीक है, कम से कम 15 लेवल तक जाएंगे। लकड़ी वगैरह का काम सारा निकाल देंगे अब तो, ये दो दिन तीन दिन चलेगा कम से कम एक एस्टिमेट। हाँ आपके दो आपके सिलेबस में दो रूम का है, लेकिन हम तीन रूम का बनाए हैं। ये भी आ सकता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। दीवारों की मोटाई कितनी है, 20, उसके बाद पहला खसका मतलब आया है तो 30 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर कितना हो गया है 70 हो गया। PCC की मोटाई है 30, उसके बाद पहला खसका 20, दूसरा खसका 20, फिर GL PL के बीच की दूरी कितनी है 40, है ना, GL PL के बीच की दूरी 40। GL PL के बीच में जानते हैं आप लोग फर्श बनता है तो 2.5 सेंटीमीटर मोटा CC, उसके बाद LCC 7.5 सेंटीमीटर मोटा, 10 सेंटीमीटर मोटा सैंड है। उस पर ऊपर छत बना हुआ है, विंडो लगा है, 1, 2, 3 विंडो लगा है, 1, 2 एक तरह का दो डोर, एक दूसरे तरह का दो डोर लगा है, फिर ए मतलब अलमीरा मतलब अलमारी लगा हुआ है, ठीक है, समझ आ रहा है। सभी दीवारों की मोटाइयाँ कितनी है 20, समान मोटाई का है। डोर विंडो और अलमीरा का क्या है साइज लिखा हुआ है। सबसे पहले हम सारणी बनाते हैं, इसको करते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से। किस मेथड से करेंगे भाई, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से। बहुत हमको लग रहा है कि आज हो जाए, 2 घंटे में ही ज़्यादा है, कोशिश करते हैं कि हो जाए, ठीक है। हैं क्यों नहीं चलेगा भाई, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से। देखिए नंबर लंबाई चौड़ाई हाइट या गहराई क्वांटिटी और रिमार्क, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका सीरियल नंबर, ये हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन, ये हो जाएगा नंबर लंबाई चौड़ाई हाइट या गहराई, इधर क्या हो जाएगा आपका क्वांटिटी, और इधर हो जाएगा रिमार्क, क्या हो जाएगा रिमार्क हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखना लिखना बंद कर, इधर देखिए सबसे पहले किस मेथड से करेंगे, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से करेंगे तो लिखेंगे सॉइल एक्सवेशन इन फाउंडेशन, सॉइल एक्सवेशन इन फाउंडेशन, नींव में मृदा खुदाई का कार्य। तो सबसे पहले लिखेंगे लॉन्ग वॉल सेंटर टू सेंटर लेंथ, लंबी दीवार का SMS करिएगा, हम आप पर 2 वीडियो भेजेंगे, उसको देख लेंगे तो सारी चीज़ समझ आने लगेगी, ठीक है, है ना। लॉन्ग वॉल सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना मिलेगा देख लीजिए, तो एक कितना है भाई 4 मीटर ए है, 3 मीटर ए है, 4, 3, 7, 7.2 बीच में भी आ रहा है 7.2 और 10 सेंटीमीटर उधर में 10 सेंटीमीटर में 7.4 डायरेक्ट लिख दें 7.4 मीटर लॉन्ग वॉल सेंटर टू सेंटर, लॉन्ग वॉल सेंटर टू सेंटर 7.4 मीटर, ठीक है, हो जाएगा। उसको लिखेंगे लॉन्ग वॉल, ठीक है ना, क्या लिख देंगे भाई लॉन्ग वॉल टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 7.4 प्लस जोड़ दें 0.7 कितना आ जाएगा, हाँ मुंह से करना छोड़ दीजिए, बता दे रहे हैं बहुत दिन से आप देख रहे हैं आदत, 8.1 मीटर क्या हो जाएगा, अरे तो पता है इसमें हो जाएगा लेकिन आदत डालिए कैलकुलेटर से, 8.1 मीटर हो जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, लॉन्ग वॉल का निकालेंगे ना, लॉन्ग वॉल का संख्या कितना मिलेगा 2, एक इधर मिलेगा और एक उधर मिलेगा। लंबाई कितना मिला 8.1, चौड़ाई कितना मिला 0.7, है ना, GL तक गहराई कितना है 30, 20, 50, 20, 70 0.7 देख लीजिए कितना आ रहा, वाओ सिंकिंग की तरह बोला। शॉर्ट वॉल को देख ले भाई, शॉर्ट वॉल की संख्या कितनी है 2 नहीं कितनी है 3 है, है ना, 1, 2 और ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, शॉर्ट वॉल सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना हो जाएगा 6.2 मीटर होगा कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि चौड़ाई कितना है 6,
हो जाएगा 6.2। देखिए यहाँ गलत हो गया है, इसको लिखिएगा 2.8 मीटर, ठीक है, 7 को 8 कर लीजिएगा, है ना। देखिए 3 मीटर है और 2.8 कितना हुआ, 5.8 और 20 सेंटीमीटर का दीवार हो जाएगा 6। हमको याद आ गया था 30 सेंटीमीटर का दीवार, इसलिए 2.7 हो गया था, 8 कर लीजिएगा। हाँ इधर देखिए, इधर देखिए संख्या कितना मिला आपका 6.। ओहो अब क्या लिखेंगे, 60 बार टोटल लेंथ, 6.2 में से घटा देंगे 0.7, कितना आ जाएगा बताइए बताइए बताइए, कैलकुलेटर चलाइए चुपचाप। 5.5 मीटर तो हो जाएगा आपका 5.5 मीटर चौड़ाई 0.7, ऊंचाई 0.7, ऊंचाई मतलब गहराई 0.7। आठ दशमलव 08 क्यूबिक मीटर। देखिए अभी मेरा 3A हो गया, 3 रखे हैं ना, है ना, अब बचा क्या ए, डिवाइडर वाला या सेपरेट वाल कर देंगे, ए बचा कि नहीं बचा अभी, तो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे कि डिवाइडेड वाल, डिवाइडेड वाल संख्या कितनी है 1। अब इसकी लंबाई कितनी होगी, देखिए सेंटर टू सेंटर लिखेंगे, डिवाइडेड वाल सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना मिल जाएगा भाई, 3.2 मीटर है कि नहीं, 3 मीटर है तो 3.2 मीटर सेंटर टू सेंटर। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, डिवाइडेड वाल टोटल लेंथ क्या करेंगे भाई, 3.2 में से घटाएंगे, हैं इसका खसका कुछ गया होगा, कुछ इसका खसका गया होगा, तो यही खसका जाएगा 70 वाला, यानी 35 इधर गया होगा, 35 उधर गया होगा, 70 वाला क्या कर देंगे घटा देंगे, तो हो जाएगा 0.7, कितना आ जाएगा 2.5 मीटर, तो लिख देंगे 2.5, 0.7 और 0.7, चौड़ाई ऊंचाई सभी दीवारों का सेम है 1.22, जोड़ दीजिए हमको पता था पूछेंगे। तो देखिए सेंटर टू सेंटर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 3.2, है ना, तो बताइए 3.2 में कौन घुसा होगा भाई, यही तो 70 वाला घुसा होगा, 35 इधर घुसा होगा और 35 इधर घुसा होगा, 0.7 हो गया, कितना आ रहा है, कल फिर पूछेंगे क्वेश्चन, कितना आ रहा है अभी उनको हम कलर कोई प्रॉब्लम चले चेहरा को बता रहा है, अच्छा लेट से आए इसलिए बता रहा है। अगला लिखेंगे पी सी सी वर्क इन फाउंडेशन, फाउंडेशन में PCC का कार्य, देखिए लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल और डिवाइडेड वाल सेम यही रहेगा कि नहीं रहेगा, 2-3-1 लंबाई सेम रहता है 8.1, ये तो पहले से हम बताते हुए चले आए हैं 5.1 2.5, चौड़ाई भी सेम ही रहता है ना, बस गहराई कितना है देख लेना हमको, कितना है 0.3, तो लिख देंगे 0.3 पानी लाए हैं वाटरमैन, कितना आ रहा है 3.40 हमको लग रहा है, तो निर्भर बनना पड़ेगा, पानी पाउच लेते हैं सर, नहीं रहने दीजिए फाइव टू जोड़ दीजिए जैसे समझ आ रहा है, दो वीडियो भेजेंगे उसको देख लेंगे सब, 7.3 कितना आ रहा, मत हमको इरिटेशन होता है मुंह से कैलकुलेट करेंगे तो। तीसरा क्या हो जाएगा, ब्रिक वर्क इन 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 फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन क्या हो जाएगा आपका फाउंडेशन हो जाएगा, सबसे पहले किसको निकालेंगे लॉन्ग वाल को, कितना खसका मिलेगा, ओए खसका देखिए 1, 2 और 3 खसका, लॉन्ग वॉल में लिखेंगे हम लोग फर्स्ट फुटिंग, फिर सेकेंड फुटिंग, उसके बाद थर्ड फुटिंग, फिर हो जाएगा आपका शॉर्ट वॉल, फर्स्ट फुटिंग सेकेंड फुटिंग और क्या हो जाएगा आपका थर्ड फुटिंग, फिर हो जाएगा आपका डिवाइडेड वॉल, फर्स्ट फुटिंग सेकेंड फुटिंग और थर्ड फुटिंग हो जाएगा, ठीक है
आपको ज़्यादा काला दिख रहे हैं क्या? अब कोई अभी जरूर कह देगा आप है ही उतना, मन में था हम बोल दिए। अब देखिएगा देखिएगा संख्या लॉन्ग वॉल का संख्या कितना है। नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं आप लोग भी ऐसा कर देंगे। सबसे पहले टोटल लेंथ निकालते हैं, सबसे पहले टोटल लेंथ निकालेंगे तो लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना मिलेगा आपको, 7.4 प्लस लॉन्ग वॉल में जोड़ेंगे ना फर्स्ट फुटिंग का 0.4 तो कितना जाएगा 7.8। टोटल लेंथ में थोड़ी जोड़ते हैं, सेंटर टू सेंटर में जोड़ते हैं, सेंटर टू सेंटर में घटाते हैं, ठीक है। तो सेंटर टू सेंटर 7.4 है, उसमें जोड़ देंगे 0.4 वाला तो कितना जाएगा आपका 7., संख्या है 2, 7.8, चौड़ाई 0.4 और ऊंचाई 0.2, चौड़ाई 0.4 ऊंचाई 0.2। ऐसा समझ आ रहा है ना आपको, वीडियो देखें जो भेजे थे तो समझ आ रहा होगा, लॉन्ग वॉल में जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं जो, ठीक है। अब देखिए कितना आ रहा है, अब देखिए दूसरा देखिए टोटल लेंथ देखिए भाई 7.4 में जोड़ देंगे 0.3 यानी 7.7 मीटर है ना। तो संख्या 2 है 7.7, 0.3 और 0.2, चौड़ाई 30 ऊंचाई 20.92 क्यूबिक मीटर। और थर्ड फुटिंग का टोटल लेंथ देखिए भाई 7.4 में 0.2 जोड़ देंगे 7.6 मीटर तो हो जाएगा 2, 7.6, 0.2 ऊंचाई देख लेते हैं 40। थर्ड फुटिंग का कितना है 0.4 है, हाँ चौड़ाई 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 ऊपर लिखा हुआ है 20.21 क्यूबिक मीटर। अब देखते हैं शॉर्ट वॉल का क्या हो जाएगा टोटल लेंथ भाई, शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना मिलेगा 6.2 में से घटा देंगे 0.4, घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे 5.8 मीटर। तो लिखेंगे संख्या शॉर्ट वॉल का कितना है 3, 5.8, हाँ 1, 2, 3 हो जाएगा ना, लॉन्ग वॉल का 2 ही है, ठीक है। चौड़ाई कितना मिलेगा 0.4, ऊंचाई मिल जाएगा 0.2, ठीक है। कितना आ रहा 3.9 क्यूबिक मीटर। अब देखिए सेकेंड फुटिंग का देखिए टोटल लेंथ कितना मिल जाएगा, 6.2 में से 0.3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, वाओ हो जाएगा आपका 5.9, 0.3 और 0.2, 0.3 चौड़ाई 0.2 ऊंचाई 1.06 क्यूबिक मीटर। थर्ड फुटिंग में टोटल लेंथ कितना हो जाएगा आपका, 6.2 में से 0.2 घटाएंगे तो 6 मीटर, सीधा सीधा 6 मीटर, 0.2 और 0.4 थर्ड फुटिंग, 0.2 ऊंचाई, 0.2 चौड़ाई, 0.4 ऊंचाई 1.44 क्यूबिक मीटर। अब डिवाइडेड वॉल का टोटल लेंथ देखते हैं भाई, सेंटर टू सेंटर डिवाइडेड वॉल कितना है 3.2 में से घटाएंगे 0.4 फर्स्ट फुटिंग में कितना आएगा 2.8 मीटर, सही है ना। हो जाएगा संख्या तो एक एक है, डिवाइडर वाल की संख्या एक है, ओए देखिए पीला वाले डिवाइडर वाले संख्या एक ही है ना, हाँ तो हो जाएगा आपका 2.8, चौड़ाई 0.4 ऊंचाई 0.2, चौड़ाई 4.2 कितना रहा 2.0, हाँ टोटल लेंथ देखिए फिर सेकेंड फुटिंग का 3.2 में से -3 घटाएंगे तो 2.9 मीटर हो जाएगा 2.9, 0.3 और 0.2 कितना आ रहा है 0.17। थर्ड फुटिंग का देखिए टोटल लेंथ में थे 3.2 में से 0.2 घटाएंगे तो 3 मीटर, 3 मीटर, 0.2, 0.4 कैलकुलेट करिए फटाक से, 0.1 जोड़िए तो नहीं शोर होने लगेगा, शोर होने लगेगा, जल्दी जोड़िए जल्दी जल्दी फटाक जोड़िए फटाक से। ए महारानी एलिजाबेथ प्रथम है कि पंचम है, ऐसा करके तो बैठा रहता है गुस्सा लगता है, 4.5 है पूरा जोड़ना भाई, 9, 9, 3, 6, 9 का सेंटेक्स एरर हो गया क्या आपका,
7.89 क्यूबिक मीटर। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, झंझनाहट, फड़फड़ाहट, हड़बड़ाहट? आगे बढ़े ना, कुछ है इस्टीमेट में? कुछ नहीं है। अब लोग को लग रहा होगा बस मोटा बुक ही है। देखिए, ओए ओए ओए, चलिए बात बंद करिए। देखिए अगला क्या निकालेंगे हम लोग, जो भी हो चौथा हो शायद, क्या निकालेंगे? डीपीसी वर्क। क्या निकालेंगे? डीपीसी वर्क इन फाउंडेशन, डीपीसी वर्क इन प्लिंथ लेवल। देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? लॉन्ग वॉल का, उसके बाद शॉर्ट वॉल का, उसके बाद डिवाइडेड वॉल का। देखिए लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, डिवाइडेड वॉल। देखिए लॉन्ग वॉल सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना था? 7.4। तो टोटल लेंथ कितना मिल जाएगा? 7.4 प्लस भाई कितने सेंटीमीटर वाले पर लगा है? 20 सेंटीमीटर वाले पर। तो हो जाएगा जो है, बात नहीं है, कितना हो जाएगा? 7.6 मीटर हो जाएगा ना। तो हो जाएगा संख्या लॉन्ग वॉल का 2, 7.6 मीटर चौड़ाई 0.2 वाला, और मोटाई तो होती नहीं है, 20 वाले दीवार पर लगा है। अब देखिए शॉर्ट वॉल का टोटल लेंथ, शॉर्ट वॉल का निकालेंगे, 6.2 में से घटा देंगे -2, तो कितना मिल जाएगा आपको? 6 मीटर। तो संख्या शॉर्ट वॉल का 3, लंबाई 6, चौड़ाई 0.2, ऊंचाई है नहीं। फिर डिवाइडेड वॉल का किस में से घटाएंगे भाई? 3.2 में से है कि नहीं? 3.2 में से घटा देंगे 0.2, तो कितना जाएगा आपका? 3 मीटर। संख्या 1, 3.2 कितना रहा? कर दीजिए 0.4 3.6 स्क्वायर मीटर। क्या ये है? 3.6 टोटल जोड़िए, टोटल टोटल टोटल। क्या बात कर रहे हैं रोशन, कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहा? 7.24 स्क्वायर मीटर। अब क्या करेंगे? घटाएंगे, डिडक्शन फॉर डोर है ना, लिखिए डिडक्शन फॉर डोर। ठीक है, घटाते हैं भाई, घटाइए। सबसे पहले लिखेंगे डोर यानी डी, उसके बाद लिखेंगे डोर D1। संख्या दो दो है भाई, डी भी दो है, D1 भी दो है। डी की लंबाई 1.2 और D1 की लंबाई 0.9, तो लंबाई 1.2 और चौड़ाई 0.2, उसके बाद 0.9 और चौड़ाई 0.2। जितना चौड़ाई रहता है उतना चौड़ाई हमको खाली करना है, कितना रह गया बताइए? 0.36। हाँ ऊपर वाला 4.8 कितना रहा है? 4.8 था। क्यों आप लोग शोर कर रहे हैं? टोटल देखिए 8.4 हम बोल रहे हैं तो नहीं, हमको लगा कि इसका बता रहे हैं 4.8, हमको पहले का कैलकुलेशन बता रहा। नेट टोटल देखिए, नेट टोटल कितना देगा? 7.24 में से घटा देंगे 0.84, कितना देगा? 6.4 स्क्वायर मीटर। अब क्या करेंगे? सुपर स्ट्रक्चर वाल पर जाएंगे, है ना। तो पाँचवें में जाएंगे, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल, लॉन्ग वाल, शॉर्ट वाल और डिवाइडेड वाल। लंबाइयाँ सिर्फ सेम उतना ही मिलेगा है कि नहीं? क्योंकि वो भी 20 सेंटीमीटर वाला वाल है। तो 7.6, 6 और 3, चौड़ाई 0.2, 0.2 और 0.2, ऊंचाई 3, 3, 3, कर दीजिए। पहले डेस्क वाले पहला, दूसरा डेस्क वाला दूसरा, तीसरा डेस्क वाला तीसरा, चौथा डेस्क वाले ऐड करिए 1.8। टेन पॉइंट 9.12 और ये ऐसे कैलकुलेट करना है ना, पहले टैक्स वाले पहले को, दूसरे दूसरे को। अब बताइए टोटल बताइए। हाँ मतलब एक लोग 21.72। सब लोग करेंगे, ऐसा नहीं कि एक लोग करके छोड़ देंगे। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, डिडक्शन करेंगे,
किसका डिडक्शन करेंगे भाई? डिडक्शन फॉर ओपनिंग का। सबसे पहले डोर, डोर में डी, उसके बाद फिर एक और डोर डी वन वाला, फिर कौन सा विंडो यानी डब्लू वाला, अलमारी भी तो है, ओए अलमारी भी तो है ए वाला, है ना। अब देखिए डी, डी का साइज कितनी है, संख्या कितनी है, दो, लंबाई 1.2, चौड़ाई 10.2 और ऊंचाई 2.1, समझ आ रहा है ना। अब देखिए इस डी वन को देखिए, संख्या 2 है, लंबाई 0.9, चौड़ाई 0.2, ऊंचाई 2.1। विंडो देखते हैं, लंबाई संख्या विंडो की कितनी है भाई, 3 है, 1, 2 और 3, तो संख्या 3, लंबाई 0.75, चौड़ाई 0.2 और गहराई 0.90। अलमारी कितना है भाई, 2 ही अलमारी है, 2, लंबाई 1.2, ऊंचाई 2, लंबाई 1.2, ऊंचाई 2, चौड़ाई कितना गए हैं इसको दिखा लीजिएगा, 20 सेंटीमीटर अंदर गए हैं, बाहर से 10 सेंटीमीटर रहेगा तभी ना, नहीं तो रखेंगे तो कोई निकाल नहीं लेगा, तो पीछे से रहता है कीट दीवार, है ना। तो कितना गैप करेंगे, सॉरी, हाँ 10 कर देंगे, 10, इसलिए कह रहा बोल क्यों नहीं रहा, कितना करेंगे 10 करेंगे, ठीक है ना। तो क्या ये देखिए, यहाँ क्या लिखेंगे, जितना खाली करना है उतना ही लिखना है, 0.10, तो देख लेना है अलमारी कितना रहा? कितना रहा, 0.48, 0.75, देखे हमको पता चल गया दूसरे डेस्क वाले आप हैं, 1.00, वाह वाह। अब क्या करेंगे, डिडक्शन फॉर लिंटल करेंगे कि नहीं करेंगे, डिडक्शन फॉर लिंटल। अब कहाँ डोर का यानी डी का, फिर डोर का यानी डी वन का, फिर विंडो का, डब्लू का, फिर अलमीरा का यानी ए का, हाँ और क्या, अलमारी को ऊपर लगाएंगे नहीं। देखिए डोर की संख्या 2, 2, 3, 2, अधिक बियरिंग ले लें हम पहले, हाँ 15 सेंटीमीटर बियरिंग है, और थिकनेस कितना है भाई, वो भी 15 ही सेंटीमीटर है। तब टोटल लेंथ जाते हैं, डोर के सामने लिखते हैं टोटल लेंथ, 1.2 + 0.3, 1.5 मीटर, सबको समझ आ रहा है ना बियरिंग, हाँ तो हो जाएगा आपका 1.5, चौड़ाई 0.2 और ऊंचाई 0.15, सही है ना, हाँ। देखिएगा उसके बाद ये डोर का टोटल लेंथ कितना आ जाएगा भाई, 0.9 + 0.3, 1.2 मीटर, तो 1.2, 0.2, 0.15, ठीक है। उसके बाद विंडो का देख लेते हैं टोटल लेंथ, विंडो का कितना मिल जाएगा टोटल लेंथ, 0.75 + 0.3, 1.05 मिलेगा क्या, तो 1.05, ठीक है। चौड़ाई 0.2, ऊंचाई 0.15। अलमीरा का देखते हैं भाई, कन्फ्यूज नहीं वाला अलमीरा में, 1.2 + 0.3, 1.5 मीटर, तो 1.5 + 0.2 × 0.15, पूरे चौड़ाई पर डालेंगे अलमीरा का, मैं सोचेगा 10 ही पर, 10 खाली किए तो 10 ही पर डालेंगे, ऐसा नहीं है, 0.09 जो डेस्क पर अंदर 0.09 कहाँ अंतर है भाई, अरे वहाँ पे देखिए ना 1.5 रखे हैं, वहाँ पे 1.05 है, तो पॉइंट का अंतर नहीं आएगा वहाँ पे, कहाँ 1.5 है, विंडो विंडो तो विंडो और मेरा में तो अंतर है, पहले और लास्ट में नहीं अंतर है, 0.09 वो सेकंड विंडो का होगा, 0.07, 0.072, अब पहले का कितना होगा, 0.09 है, 0.09 तीन होगा क्या, 3 का 0.09 होगा, 0.95 सही है। अब इन छवों को जोड़िए, नहीं आठों को, आठ आठ
अरे भाई तीन दो अंक बाद अलग आ रहा होगा, छोड़िए। दो दशमलव दो दशमलव नौ सात, ठीक है ना, दो दशमलव नौ सात। अब इसके नीचे नेट टोटल लिखिएगा, मैं यहाँ लिखने जगह नहीं है। नेट टोटल कितना आ जाएगा भाई, यहाँ नीचे लिखिएगा, इक्कीस दशमलव सात दो में से घटा देंगे दो दशमलव नौ सात, कितना आ रहा है, घटाइए भाई, वह घटाइए, हाँ 75 क्यूबिक मीटर हो जाएगा ना। अब देखिए ये कहाँ का है भाई, ये यहाँ वाला है कि नहीं, नीचे रहेगा, यहाँ पर रहेगा, यहाँ वहाँ लिखना है, ऐसा ना कि ले जा वहीं लिख दीजिएगा। चलिए बनाइए, आप लिखिए। हाँ, देखिए ओए, चलिए रहने देते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, अगला जो भी होगा नंबर देख लीजिएगा, हाँ जो भी नंबर, हम कहे थे 14-15 तक जाएंगे, लेके चलते हैं इसको आगे बढ़ते हैं और का। अब देखिए सबसे अब निकालेंगे हम ना आरसीसी वर्क, क्या निकालेंगे, आरसीसी लिंटल क्या है, पर डे लिंटल आता है तो हाँ नहीं लिखवाते तो क्या मतलब, आज बता देना तो पर डे क्लीन हो गया। आरसीसी लिंटल क्या है, आरसीसी है, छत क्या है, आरसीसी है ना, तो आरसीसी वर्क। अब मतलब ऐसा नहीं वो था कुछ ना, है नहीं आसान है, लेकिन बस आपको क्या करना है कि जानना है, इस्टीमेट हार्ड नहीं है, लेकिन एक बार नहीं जानेंगे तो नहीं लगा पाएंगे। क्या लिखेंगे, आरसीसी वर्क इन स्ट्रक्चर, संरचना में आरसीसी का कार्य। सबसे पहले देखेंगे डोर पर यानी डी, उसके बाद विंडो पर नहीं, एक और डोर है ना, डोर पर यानी D1, इसको मिटाना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद वही चीज़ लिखवाएंगे, कौन वाला, लिंटल वाला ही, विंडो W, उसके बाद क्या लिखाएंगे भाई, अलमीरा यानी A है कि नहीं, लिंटल वाला है ना। तो देखिए सबसे पहले संख्या कितनी है, दो दो तीन दो, लंबाई कितना आया था, 1.5, 1.2, 1.05 और 1.5, ए लिंटल वाला ही, लिंटल वाला, लिंटल और सी सी है तो लिंटल का लंबाई, लिंटल का 0.15 चौड़ाई, हाँ, 0.2 कह रहे हैं एक मीटर हुआ, 0.15 अब देखिए वही क्वांटिटी बोल दीजिए, ऊंचाई बियरिंग लिखे थे, थिकनेस लिखे थे, थिकनेस लिंटल का थिकनेस नहीं, 15 ही लेना है, 20 मत लीजिएगा, सबका तो वही आ जाएगा, वही आएगा, बताइए कितना रहा, हाँ दूसरे मतलब वही वाला जो पीछे निकाले थे, वही हाँ 0.072। अब देखिएगा उस 0.07 ठीक है, क्यूबिक मीटर है ना। तो इसमें हम लिखेंगे लिंटल वर्क, ओए क्या लिखेंगे भाई, लिंटल वर्क में लिखिएगा डोर विंडो और अलमीरा। अब लिखेंगे क्या, स्लैब वर्क भाई, छत का कितना काम हुआ है, तो छत की देखिएगा, छत का पूरा बाहर से बाहर लंबाई चौड़ाई मोटाई, तो देखिए छत का बाहर से बाहर लंबाई कितना मिलेगा, 7.4 में 0.2 जोड़ देंगे 7.8 है ना। तो लिखेंगे लंबाई 7.4 प्लस 0.2 7.8, देखिए सेंटर से दोनों का जोड़ेंगे ना, 7.4 एकदम बाहर से बाहर लंबाई, 0.4 कर दीजिए ना, 7.4 सेंटर टू सेंटर है, तो 10 उधर का 10 इधर का, 7.6 मीटर हो जाएगा। चौड़ाई कितना होगा, देखिए 6 मीटर है यानी 6.2, तो सेंटर टू सेंटर प्लस 0.2 जोड़ दे देंगे 6.4 मीटर हो जाएगा ना। हाँ तो लंबाई 6.4 और मोटाई 0.15, क्योंकि यहाँ लिखे हुए हैं 15 सेंटीमीटर मोटा, समझ आ रहा है ना, जोड़ दीजिए आरसीसी वर्क कितना आसान है ना, वेरी सिंपल, 7.29 क्यूबिक मीटर, जोड़ दीजिए पाँचों को,
पाँच सौ चलिए भाई। क्यूबिक मीटर ठीक है, आगे बढ़े। 10 कैसे आ जाएगा? ऊपर वाला नहीं जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। हाँ, 10 मतलब 2 अच्छा। अब देखिएगा अब क्या निकालेंगे भाई, लिंटल बल्ब हो गया और समझिए अब निकालेंगे। हाँ ले फिर देखिए भाई, 11 आ गया किसका? कितना आ रहा है? दोबारा करिए। उसमें मत जोड़िए, जोड़िए ना इसको। 7.63 वही तो हम कह रहे हैं, 3 कैसे हो जाएगा इसको जोड़ने में? अब देखिएगा, अरे वो जो पहले जोड़े हैं वो दूसरा जोड़े हैं, उसमें कुछ और भी जुड़ा हुआ है, ओपनिंग भी जुड़ा हुआ है। 8 का था। अच्छा 8 में जोड़ देते क्या? नहीं वो पिछले वाले का है। अरे इसका भी था, नहीं ये वाला तो इसका ही ना था, इतना तो नहीं नहीं था। हाँ इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। अब क्या निकालना हमको? सॉइल फिलिंग इन फाउंडेशन। अब समझिएगा, हाँ समझिए, सबसे पहले जब फाउंडेशन खोदा जाता है तो मिट्टी को फेंक देते हैं, फिर दीवार चलाते हैं, तो कुछ बचता है कि नहीं बचता है साइड से भरने के लिए? देखिए ये फाउंडेशन हो गया, ओए ये फाउंडेशन हो गया, यहाँ ग्राउंड लेवल है, तो खुदाई तो इतना किए होंगे लेकिन दीवार तो इतना ही चलाए हैं, तो इतना भरेंगे कि नहीं भरेंगे? भरवे करेंगे इतना, तो इसी को निकालना है कि कितना हम भरेंगे फाउंडेशन में। तो देखिए टोटल देख लेते हैं कितना एक्सप्रेशन करना है, उसमें से कितना कितना हम दीवार चला दिए हैं, निकल जाएगा हमको कितना खाली बचा। जैसे देखिएगा अरे भाई पूरा थोड़ी आएगा, इसमें से जैसे कह देगा कि सॉइल एक्सप्रेशन निकालिए, PCC निकालिए, सॉइल फिलिंग निकालिए, कह देगा 200 नहीं मतलब कोई आएगा 4-5 ही देगा, ऐसा नहीं कि 200-200 दे देगा आपको। हाँ कोई भी आ सकता है, 4-5 वो कुछ भी दे सकता है ना। सॉइल एक्सप्रेशन दे देगा, PCC देगा और लिंटल वर्क दे सकता है, कुछ भी दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 200 आएगा, ऐसा नहीं होता ठीक है, 2-4 ही आता है। अब देखिएगा मेन वही आता है, सॉइल एक्सप्रेशन आएगा, नीचे का PCC या LCC वर्क आएगा, ब्रिक वर्क फाउंडेशन, ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर, इससे ज़्यादा नहीं आता। ये भी आता है, TL के ऊपर नहीं जाता है। सुपर स्ट्रक्चर कहाँ जाएगा आपके सर में? देखिएगा PL के ऊपर नहीं। देखिए सॉइल फिलिंग इन फाउंडेशन, देखिए तो बताइएगा, सबसे देखेंगे एक्सप्रेशन, देखेंगे सॉइल एक्सप्रेशन वर्क, देखिए निकाले थे एक बार सॉइल एक्सप्रेशन वर्क, पहला देखिए लिख दे रहे हम डायरेक्ट, और वो लॉन्ग वाल शार्ट वाल करके तीनों जोड़ दीजिए, सॉइल एक्सप्रेशन वर्क कितना आया अभी समझा दे रहे हैं। हाँ पहले का एक जुड़ा हुआ है, कितना आया पहले का? 17.23 पहला वाला जुड़ा है ना। अब देखिएगा वो क्या है, देखिए यही समझिए, यहीं तक का है ना, यहीं तक का इतना हमको मिट्टी खोद के निकाले हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या हम भर चुके हैं, PCC फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग नहीं जाएंगे, इतना उसमें से घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा, जितना बचेगा है कि नहीं आसान। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि PCC वर्क, अब PCC वर्क इन फाउंडेशन बता दीजिए हमको, PCC वर्क 7.38 क्यूबिक मीटर। उसके बाद लिखेंगे हम लोग लॉन्ग वाल का फर्स्ट फुटिंग और सेकेंड फुटिंग, फर्स्ट फुटिंग का बता दीजिए आप लिख सकते हैं 2.24 नहीं नहीं सिर्फ फर्स्ट फुटिंग का, बस फर्स्ट फुटिंग, शॉर्ट वाल अलग कराएंगे, कितना आ रहा है 0.92। अब देखिए लॉन्ग वाल हो गया, अब क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट वाल का फर्स्ट फुटिंग जोड़ कर बता सकते थे, कुछ नहीं है, हम ज़्यादा कन्फ्यूजन ना करके लॉन्ग कर रहे हैं। 1.39
06, अब डिवाइडेड वन, फर्स्ट फुटिंग सेकेंड फुटिंग, आप लोग लिख सकते हैं ना, सिर्फ यही कह देगा तो। चलिए बताइए कितना आ रहा है, 0.2। सही बोल रहे हैं ना, इधर उधर का नहीं बोल रहे हैं। और बताइए, 0.16। अब जोड़ देंगे सबको, सबको मतलब किसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 17.23 को नहीं, 12.38 क्यूबिक मीटर। अब नेट टोटल माइनस करके 4.85। वाह, बहुत तेज हो गए आप तो, 17.23 में से 12.38 घटा देंगे, कितना आ रहा है, 4.85। समझ आया चीज़ है क्या, इसका मतलब क्या हुआ, कितना एक्सप्रेशन करना है, कितना पहले से दीवार वगैरह पी सी सी कर चुके हैं, तो यही तो किनारे किनारे थोड़ा सा बचेगा, सॉइल फिलिंग वर्क आता है, कर लीजिए इसको अभी, और बाकी और निकलवाते हैं, नहीं पढ़ाएंगे ना डिजाइन। हाँ चलिए देखिए, ओए नहीं नहीं यार, नौकरी लगना बड़ी बात होती है ना, इस आप इस पे बिलीव करिए, नौकरी लगना, हम जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन थोड़ा लेट। हाँ देखिए तो, ओए ओए देखिए अब क्या निकालना है भाई, अब ये दिख रहा है ना, ये इन सब का निकालेंगे, सीसी वर्क, एलसीसी वर्क, सैंड फिलिंग। अब समझिएगा, ऊपर क्या दिया है, एलसीसी, ओए इधर देखिए, ऊपर क्या दिया है, एलसीसी, जो भी मतलब यहाँ क्या दिया, एलसीसी, सीसी के नीचे एलसीसी, और इसको भी लिख देते एलसीसी, इसको भी लिख सकते एलसीसी, और कह देगा एलसीसी वर्क निकालिए, तो इसको निकाल के जोड़ना पड़ेगा। हाँ मतलब कि यहाँ है ना, तो यहाँ तो हम अलग अलग निकाल दिए हैं, यदि इसको भी कह दे क्या है, ये भी कह देगा एलसीसी है, और वो भी कह दिया एलसीसी, और कह दिया एलसीसी वर्क, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं। ये मान लीजिए पीसीसी है, यहाँ कह दिया पीसीसी, तब भी दोनों को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अभी अलग अलग है तो मेरा जोड़ने वाला काम नहीं है, बस आपको बताए हैं कि देख लेना है, ठीक है। जैसे लिंटर वर्क, छत वर्क दोनों जोड़ते हैं, बता रहे हैं अभी निकालना है ना, वही तो निकालेंगे। तो जैसे लिंटल वर्क में छत और लिंटल एक ही धार, सीसी वर्क दोनों जोड़ दिए हैं, जैसे छत ही ना दिया हो और कह दे आरसीसी वर्क, सिर्फ लिंटल है कि नहीं, ये तो उसमें लिख दे कि उसमें डोर ही विंडो ना लगाया हो, तो सिर्फ छत का वर्क आरसीसी वर्क हो जाएगा, तो देख लेना ऐसा चीज। क्या निकालेंगे भाई, लिखेंगे सैंड फिलिंग, नहीं ऊपर से निकालते हैं, लिखेंगे सीसी वर्क, क्या लिखेंगे सीसी वर्क इन फ्लोर, फर्श में सीसी का कार्य कितना होगा, देखिएगा। अब फर्श कहाँ बनता है, रूम में बनता है, तो लिखेंगे रूम फर्स्ट। अभी देखिएगा कुछ है थोड़ी है, बता रहे ना कुछ है नहीं, बस है कि एक नियम आप जान जाएंगे तो हो जाएगा, वैसे अगर हम बताए नहीं रहेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। रूम सेकंड, रूम थर्ड, भाई यही तो बनाएंगे हम, यही देखिएगा, यही अगर तो ऐसे रहता, यहाँ हो जाए जीएल, और यहाँ होता हो जाता, यहाँ हो जाता आपका पीएल, अब यहाँ फर्श बनता। तो देखिए इस लंबाई में कुछ हमको घटाना पड़ता, क्योंकि 20 सेंटीमीटर वाले लंबाई, दीवार की लंबाई दिख रही, इसमें कुछ घटाना पड़ता यदि यहाँ फर्श रहता तो, क्योंकि फर्श यदि यहाँ बन जाएगा तो देखिए कुछ घटाना पड़ता ना अभी, अरे अंदर में से कुछ घटाना पड़ता, क्योंकि खसके पर फर्श बना था, यहाँ पर यहाँ बन गया होता तो, लेकिन अभी तो सिर्फ 20 सेंटीमीटर वाले पे ही बना, अभी इसको घटाने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर फर्श बना हुआ है, समझ पा रहे हैं। तो डायरेक्ट उसी को लिख देंगे, इस तरह का क्वेश्चन कभी आप याद दिलाइएगा हम बना देंगे, ठीक है। तो ऐड कर लेंगे ना सर। हाँ कुछ समझिए, अभी समझिए कुछ नहीं करना, सुनिए। रूम फर्स्ट में क्या है, 4 मीटर 6 मीटर, तो संख्या 1 है, लंबाई 4, चौड़ाई 6 और मोटाई 0.025, 2.5 सेंटीमीटर मतलब 0.025 मीटर। अलमारी के नीचे क्या, अलमारी फर्श ना, अलमारी के अलमारी आपका 2 ही मीटर ऊंचा है, कोई जरूर नहीं एक फर्श में सटा है, तो अलमारी के नीचे तो फर्श है ही भाई। अच्छा ओ ओ तो ओ, आपका दीवार में खाली दिख रहा है, फर्श का खाली थोड़ी है कि दीवार में छेद के, थोड़ी दीवार को छेद के थोड़ी फर्श घुसाएंगे, ऐसा नहीं है, अलमारी ऊपर ही रहता है, अगर नीचे भी हो तो उसको हाँ चला जाएगा, लेकिन मतलब यहाँ नहीं, अलमारी 2 ही मीटर ऊँचा है ना, तो
लिंटल 2.1 मीटर पर डाले रहते हैं, वहाँ से 2 ही मीटर नीचे आना है, 10 सेंटीमीटर नीचे बच ही रहा है अभी, वो नहीं सोचा। तो देखिए उसके बाद देखिए रूम टू को देखिए, 3 मीटर × 3 मीटर है ना, तो संख्या 1 3 मीटर 3 मीटर और 0.025। और देखिए रूम 3 कितना हो जाएगा, 3 मीटर × 2.8 मीटर, 3 × 2.8 मीटर, करिए फर्स्ट बेंच वाले 0.02, ए भाई सेकेंड बेंच वाले 0.1, थर्ड और 0.21, 1.6, अच्छा जोड़िए भाई पूरे बेंच वाले जोड़िए इसको, 1.03, 1.03, 1.03, 10 लोग 10 तरह बोलेंगे। अब देखिएगा आप समझिएगा, हम कहते हैं LCC वर्क निकालने के लिए, तो बस क्या चेंज होगा, मोटाई 0.075 नहीं हो जाएगा सिर्फ LCC वर्क, यदि हम कहते हैं सैंड फिलिंग के लिए तो क्या चेंज होगा, बस 10 सेंटीमीटर 0.1 नहीं निकाल लेंगे दोनों, आसानी से निकल जाए, निकाल दे रहे हैं, क्या लिखेंगे भाई LCC वर्क, LCC वर्क इन फ्लोर, फर्श में LCC का कार्य, क्या लिखेंगे रूम फर्स्ट रूम सेकेंड और रूम थर्ड, 1 1 1 4 3 3 6 3 2.8, ठीक है मोटाई देखिए 0.075 LCC की मोटाई 0.075। अब देखिए उसके बाद सैंड फिलिंग वर्क क्या निकालेंगे भाई, वे सैंड फिलिंग वर्क क्या देगा, रूम फर्स्ट रूम सेकेंड रूम थर्ड, 1 1 1 4 3 3 6 3 2.8, 0.1 0.1 0.1, सबको अलग अलग जोड़ लीजिएगा, हो जाएगा ना ये, सबको अलग अलग जोड़ के निकाल लीजिए, हो गया निकाल कर लीजिएगा, इतना थोड़ी पूछना है।